हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 14 इंग्लिश क्लास 10। मोडल्स पे चल रहा है, आज टॉपिक है गुड मैनर्स। गुड मैनर्स में हम मोडल्स का यूज करते हुए चलेंगे। वी नो दैट गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट, यस, आवर लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे मैनर्स होंगे। इट इज द वे टू पे योर रिस्पेक्ट, मतलब मैनर्स अच्छे होंगे तो हम जो है किसी को भी रिस्पेक्ट मतलब दे रहे हैं या किसी से रिस्पेक्ट ले रहे हैं। देखिए, मैनर्स जितने अच्छे होंगे, जितना हम अच्छा बिहेव करते हैं दूसरों के साथ बच्चों, उतना ही अदर्स भी हमारे साथ उतना अच्छा बिहेव करते हैं। तो गुड मैनर्स शोज द बेस्ट इन यू, आपके अंदर क्या बेस्ट है ये आपके अंदर का बाहर निकल के आता है थ्रू द मैनर्स, यू नो, एंड एनकरेज करते हैं अदर्स को कि वो भी जो है आप ही की तरह अच्छा करे। यानी हम अगर अच्छे हैं तो अदर्स भी हमें फॉलो करने लग जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते पे चलने लग जाते हैं, यानी उस चीज को भी सीखने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर की अच्छाइयां हैं। तो गुड मैनर्स जो है हमारी लाइफ को भी प्लेजेंट बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ मोडल्स हैं। लुक एट द यूज ऑफ मोडल्स, हम जो है वुड, कुड, शुड का यूज सीखेंगे आज। ये जो है ये शो करते हैं कर्टेजी टू अदर्स, दूसरों के लिए गुड मैनर्स को शो करते हैं बच्चे। चलिए, विल यू, ये लिखा ना विल यू कहाँ आता है, विल यू ओपन द डोर फॉर मी, थोड़ा सा ये लाइटली है, विल यू ओपन द डोर फॉर मी, तो ये शो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है और पोलाइटनेस, यानी दूसरों के लिए रिस्पेक्ट और दूसरों के लिए पोलाइटनेस। प्लीज यूज दिस एक्सप्रेशन नाउ, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए डोर ओपन करोगे, व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट, आप किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऊपर वाला क्या है, शो करता है रिस्पेक्ट या पोलाइटनेस, नीचे वाला क्या है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू प्लीज, है ना। कुड यू प्लीज, तो ये भी आपका जो है क्या है, Could is used to say the when an event is possible, जब कोई इवेंट पॉसिबल होता है। देखिए, अब थोड़ा सा हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, तो ये जो हमारे मॉडल्स हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया, दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशन के लिए यूज होते हैं। सबसे पहली बात, could यूज होता है टू से when an event is possible, कोई इवेंट पॉसिबल है तो हम ये could लगा सकते हैं। would क्या होता है, जब हम कोई बात कर रहे हैं, कोई टॉक कर रहे हैं, वो पॉसिबल है, इमेजिन सिचुएशन है, या हम किसी से मेक कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मेक कर रहे हैं। शुड होता है सजेशन के लिए, तो बिल्कुल ये अलग हो गया, एडवाइस के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए होता है। तो लेफ्ट में यही है, कुड यू प्लीज, यानी कोई चीज पॉसिबल इवेंट है उसके लिए आप बात कर रहे हो। कुड यू ओपन द डोर, यानी वो यानी डोर को ओपन कर सकते हैं, जब भी तो आप बोल रहे हो ना, कुड यू प्लीज, प्लीज लगा दिया और पोलाइटली वर्ड, और ज्यादा पोलाइटली हो गया। कुड यू पॉसिबली ओपन द डोर, क्या आप डोर को ओपन करेंगे, तो इसका मतलब डोर ओपन हो सकता है ना, और या वो ओपन कर सकती है जो भी करें। वुड यू काइंडली ओपन द डोर, तो ये सारे जो हैं वर्ड्स आप देख रहे हैं जितने भी हैं, ये सब पोलाइट मैनर्स हैं, गुड मैनर्स हैं, जो कि अगर हम इस तरह से यूज करते हैं तो ये और ज्यादा मोर इफेक्टिव होते हैं हमारी टॉकिंग्स के लिए, हमारी बात को दूसरे तक रखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये गुड मैनर्स जो है हमारे, गुड मैनर्स के जो मॉडल्स हैं कौन कौन से बच्चों, वुड, कुड और शुड को फिल करना स्टार्ट करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक से फिल करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहला है वन डैश Stand up when an elder person enters a room. One मतलब किसी को stand up होना चाहिए, जब कोई बड़ा इंसान घर में आता है तो किसी को क्या होना चाहिए, this is a मतलब एक है क्या बोलते हैं, respect है elder के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे लिए, क्या आएगा बच्चों, should आएगा, one should, ठीक है। It is good manners if we dash make eye contact with people you are talking to. ये अच्छे मैनर्स होते हैं अगर हम आई कांटेक्ट करते हैं, इफ वी वुड, ठीक है, इफ वी वुड मेक एन आई कांटेक्ट, ठीक है, शुड नहीं है, शुड तो वो सजेशन दे रहे होता होगा ना, तो ये सजेशन नहीं है, हम मेक वो करते हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये आप टॉक कर रहे हैं किसी पॉसिबल चीज को या जो सिचुएशन है इमेजिन कर रहे हैं। यू डैश यूज थैंक यू एंड यू आर वेलकम व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स, यानी आप दूसरों से टॉक कर रहे हैं तो आपको क्या कहना चाहिए बच्चों, सजेशन है ना, ये एडवाइस है ना, कि आपको थैंक यू कहना चाहिए, मस्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो है नहीं, सो दैट इज शुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज कंसिडर,
पोलाइट. इफ यू डैश लीव अ थैंक यू नोट, क्या आएगा बताइए. अगर देखिए ये कंसिडर कहलाता है पोलाइट नोट, यानी कि पोलाइटली कहलाएगा कि भाई अगर आप किसी के लिए जो है थैंक यू नोट दे सकते हो. दिस इज मतलब कि ये क्या है, एक पॉसिबल इवेंट है, यानी आप नोट तो दे ही सकते हो ना. तो दिस इज क्या होगा यहाँ पे बच्चों, कुड होगा. इफ यू कुड लीव अ थैंक यू नोट, यानी आप थैंक यू कहना चाहते हो तो आप राइटिंग में लिख सकते, ये तो पॉसिबल आप लिख सकते हैं. टीच द चिल्ड्रन, टीच चिल्ड्रन दैट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम. तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा. यस, टीच चिल्ड्रन बच्चों को सिखाना चाहिए कि दे शुड ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर देयर होम, जो आपके घर में आते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए. तो शुड नॉट नेगेटिव तो नहीं होगा ना, सर्व नहीं करनी चाहिए. दिस इज तो इम्पोलाइट, दिस इज बैड मैनर्स. अगर शुड नॉट लगा देते तो यहाँ पे शुड आएगा. यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर, ठीक है. यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स, यानी आपको खोलना चाहिए. दिस इज सजेशन कि आपको जो है किसी के दूसरों के लिए दरवाजा खोलना चाहिए. नाउ है नेक्स्ट क्या है कि बाइटिंग नेल्स डैश बी कंप्लीट नो फॉर ऑल. मतलब नेल बाइटिंग जानते हैं ना, नेल्स को काटना, तो दैट शुड बी कंप्लीट नो फॉर ऑल, कोई भी ना काटे, क्योंकि दिस इज बैड मैनर्स. हाथ से ना, मुंह से नाखून काटना, ये तो बैड मैनर्स होता है कि आप नेल्स काटे जा रहे हैं. दिस इज नॉट गुड मैनर्स, बैड मैनर्स. इस सबके लिए शुड बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल. लिकिंग योर फिंगर्स, लिकिंग लिकिंग मतलब फिंगर को चाटते हैं कई लोग को एट डाइनिंग टेबल, खाते समय चाटते नहीं. दिस इज बैड हैबिट, बैड मैनर्स कहलाता है ये, ठीक है भाई. फिंगर्स को चाटना जो है क्या कहलाता है बच्चों, बैड मैनर्स कहलाएगा. तो क्या आएगा यहाँ पे, डाइनिंग टेबल शुड नॉट बी डन, ये नहीं होना चाहिए. नॉट आ रहा नेगेटिव में, यानी ये नहीं होना चाहिए. इफ यू स्नीज और कफ, अगर आप छींकते हैं, छींकना या खांसते हैं, यू डैश यूज हैंकर चीफ, क्या करना चाहिए आपको, एक हैंकी लेना चाहिए. तो शुड आएगा ना. आप ये देख रहे जो शुड वाले, ये सारे आपके सजेशन हो रहे हैं, एडवाइस दिए जा रहे हैं, सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. नाउ व्हेन यू च्यू योर फूड, जब आप फूड चबाते हैं, खाते हैं, ठीक है, तो व्हेन यू च्यू योर फूड यू डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइड, यानी आपको अपना मुंह नहीं खोलना. तो क्या है यहाँ पे बताइए, ये भी सजेशन ही है कि आपको अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए. दिस इज बैड मैनर्स होता है, यहाँ पे शुड आएगा. ऑफरिंग फूड टू हंगरी, यानी किसी भूखे को खाना देना, डैश बी अ गुड डील, ये अच्छा अच्छा काम होता है, होगा, ठीक है. दिस इज गुड, ठीक. टीजिंग एनिमल्स, यानी एनिमल्स को तंग करना, डैश बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल, यानी कि गलत भी है और इमोरल मतलब कि अनैतिक भी है, उसको बोलते हैं अनैतिक. तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, वुड आएगा, ठीक है, वुड बी. दिस इज इमोरल है, बैड मैनर्स है. रेजिंग, आप लाइन में भर के भी देखिए कि क्या है ये चीज, ठीक है, तो यहाँ पे वुड आएगा. रेजिंग योर हैंड इफ यू विश टू से समथिंग, यानी आप कुछ कहना चाहते हैं, अपना कुछ बात कहना चाहते हैं क्लास में, तो अपने हाथ ऊपर कीजिए. डैश बी अ गुड हैबिट, ये गुड हैबिट है, वुड होगा कि कुड होगा बताइए, क्या आना चाहिए यहाँ पे. रेजिंग योर हैंड में क्या आएगा, ये अच्छी आदत होती है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको वुड कुड तो दोनों ही आ सकता है, वुड भी है, तो आप कुड लगाइए, कुड ज्यादा इसके मोर पास में पा रहा है, तो यहाँ पे कुड आएगा. नाउ ऑफरिंग अ सीट, सीट देना किसी बूढ़े को, एल्डर को मतलब बड़े को, या वुमेन को, डैश बी अ काइंड गेस्चर, तो ये क्या होगा, ये एक अच्छा गेस्चर है, हाव भाव आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, यहाँ पे वुड आएगा, वुड बी, ठीक है. यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, आपको वेट करना चाहिए, चाहिए वर्ड आता ना बच्चों सजेशन के लिए, जब चाहिए सेंस निकल रहा हो हिंदी में, तो आप ये शुड लगा सकते हैं कि वेटिंग, यू शुड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, ठीक है. तो इस तरह से देखिए आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. तो गुड मैनर्स के मॉडल्स कौन कौन से आए अभी, आप मेरा कमेंट में बताइएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे. होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जरूर हमारे चैनल साथ बनिए, बने रहिए और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ. बाय बच्चों.